पर एक्सपोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस समय की एक बड़ी खबर ये है कि थाना देसगांव चौकी के अंतर्गत तोरनी के पास एक सड़क दुर्घटना के बाद दो लोगों की मृत्यु हो गई है। एक व्यक्ति की मृत्यु घटना स्थल के पर ही होना बताया जा रहा है, जबकि एक व्यक्ति को उपचार के लिए खंडवा के जिला अस्पताल लाया जा रहा था, तो अस्पताल पहुँचने के दौरान उनका निधन हुआ है। और दोनों जो मृतक हैं वे मोटरसाइकिल से खंडवा आ रहे थे और एक वे शादी और विभिन्न कार्यक्रमों में खाना बनाने का हलवाई का काम करते थे। तो इस पूरे मामले पर बात करने के लिए उनके परिजन यहाँ खंडवा आए हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। भैया नमस्कार, आपका स्वागत है। क्या नाम है भैया आपका? अमर चौक से। चौक से जी, क्या क्या था मामला, पूरा बताइए आप। ये सनावत से रसोई बनाने के लिए खंडवा के पास कोई देहात है, वहाँ जा रहे थे जी। तोरनी के पास इनका एक फोर व्हीलर कार से एक्सीडेंट हुआ जी। इस पार्ट तो हमने भी नहीं देखा जी। हम सीधे यहाँ हॉस्पिटल आ गए जी और वो रास्ते में मृत घोषित हो गए थे जी। एक व्यक्ति मरने वाले थे, वो मेरे ससुर परशुराम जी राय जी, मैं उनका दामाद हूँ। कितनी उम्र थी उनकी? उनकी उम्र 60 वर्ष जी, हमारी उम्र 44 वर्ष जी। एक अन्य जो उनके साथ अन्य निधन जो हुआ है, उनकी मेरे को कोई जानकारी नहीं, उनका परिवार भी हमारे साथ साइड में खड़ा हुआ है। आप उनसे बात, ये साथ में मतलब इधर खाना बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए रसोई का काम करते थे, रसोई शादियों में कार्यक्रमों का काम लेते थे, काम लेते। तो हमारे साथ अन्य जो एक अन्य जो मृत्यु हुई है इस घटना में, तो हम उनसे बात करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? रघुवीर सिंह जी। कहाँ रहते हैं आप? सनावत रहता हूँ जी। ये जो घटना हुई है तो इसमें कौन क्या हुआ है, कौन शांत हुआ है, पूरा बताइए। मेरा लड़का हुआ है, उसका नाम नितेश है जी। और वो खाना बनाने निकला था 8:30 बजे घर से जी। तो रास्ते में दुर्घटना हुई जी। कहाँ पर हुई है ये? देसगांव के इधर कोई सा गांव है जी, वहाँ पे हुई जी। आपके बेटे की कितनी उम्र थी? उनकी 35 साल की करीब उम्र थी जी। उनका परिवार, बच्चे? दो, एक लड़का है और एक लड़की है जी। ठीक है, तो वे आपके घर में कमाने वाले, मतलब उनकी कमाई से ही आपके घर परिवार चलता था। ठीक है, आप क्या क्या नाम है भैया आपको? मेरा नाम है मुकेश, मैं भी सनावत का रहने वाला हूँ जी। ये मेरे काका हैं, मेरे काका जी के लड़के थे वो जी, वो रसोई का काम करते थे जी। उनका 8:30 बजे वो घर से निकले, रास्ते में जी एक मारुति कार से उनका एक्सीडेंट हुआ जी। हमको वैसे ही मालूम पड़ा, हम तुरंत खंडवा जिला अस्पताल में पुलिस लेके आई उनको जी। हमको वहाँ घर पे मालूम पड़ा तो हम फौरन आए जी और उनको देखा तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा था जी। चलते चलते ही किसका ट्रीटमेंट चल रहा? हमारे नितेश का जो मृतक है उनका जी। और जिला अस्पताल में शांत हो, जिला अस्पताल लाने के बाद शांत हो जी जी। तो मतलब परिवार के लोग यहाँ पे आ चुके हैं जी जी। ठीक है, तो मैं उनका काका का लड़का हूँ जी। तो मेरे को मालूम पड़ा, मैं वैसे ही बस में वेट कर फौरन हम आए जी। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि इच्छापुर इंदौर राजमार्ग जो है, इस पे वाहनों के दबाव के चलते आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं और हर 2-4 दिन में कोई ना कोई हादसा सामने आ रहा है, जिसमें कई लोगों की जाने भी जा रही है। इस ओर जिम्मेदारों को ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।